अलैक्म। ये थर्ड जो है पार्ट है रिकॉर्डिंग का, हमारे फर्स्ट लेक्चर की। तो हम लोगों ने बेसिकली अभी जो है इस जो डिस्कशन में हमने अभी इसको मोटरसाइकिल को डिफाइन किया, स्कोप को डिफाइन किया कोर्स के। स्कोप का मतलब होता है कि हमारा कोर्स जो है वो किन लिमिट्स के अंदर जो है वो रहता है। तो हमारा कोर्स जो है वो इस पॉइंट ए और बी की जो लिमिट है इसके बीच में रहेगा, ठीक है। यानी कि हमने एक तरह से सिर्फ ऐसे पानी के बारे में बात करनी है जो कि दरियाओं में या नहरों में या जो खाले होते हैं इनके अंदर मूव कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, हाइड्रोलिक्स की डेफिनेशन है मैंने ऑलरेडी जो है डिफाइन कर दी हुई है, सो आई विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन इट। आई होप कि उसमें कोई मसला हुआ तो आप मुझसे लाजमी पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी वैसे मैंने डिफाइन कर दी हुए हैं सारे के सारे पॉइंट्स, लेकिन जस्ट इसमें से मैं गो थ्रू करूंगा ताकि अगर मजीद कोई ऐसी बात है जो कि इन तीन चार तीन पॉइंट्स के अंदर नहीं लिखी हुई या मैंने नहीं बताई आप लोगों को, उसको जो है वो मैं बता सकूं। तो इस पहला पॉइंट है कि द फ्लो ऑफ वाटर इन अ कॉन्डुइट मे बी आइदर ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है। कहता है कि जी अगर आपका पानी जो है पाइप के अंदर बह भी रहा है तो हो सकता है कि जी वो ओपन चैनल फ्लो हो और ये भी हो सकता है कि वो ना हो। समझ लो इस बात को। कहता है कि अगर आपके हमने अभी क्या पढ़ कर आए हैं, हमने अभी ये पढ़ा है कि जब भी ये कॉन्ड्रेट का मतलब पाइप होता है, ठीक है ना, कि अगर आपका पानी जो है वो किसी जो है वो पाइप के अंदर मूव कर रहा है तो वो हमेशा पाइप फ्लो ही होना है। हमारी आम ऑब्जर्वेशन जो है, हमारी आम जो फहम है वो हमें यही कहती है कि जब भी आपका पानी जो है पाइप के अंदर मूव कर रहा होगा तो वो पाइप फ्लो ही होगा। लेकिन वो इस पॉइंट पे कहता है कि नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि भाई साहब अगर आपका पानी जो है पाइप के अंदर मूव कर भी रहा है ना तो हो सकता है कि वो फिर भी जो है ना वो पाइप फ्लो ना हो, वो हो सकता है कि फिर भी जो है ना वो ओपन चैनल फ्लो हो। तो ऐसा क्यों है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पर इधर तीनों पॉइंट्स, क्योंकि तीनों पॉइंट्स मेरे मिलते हैं तो मैं तीनों को जो है वो एक ही दफा वर्ड फाइल में जाके एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा पॉइंट मुझे बोलता है कि जी ओपन चैनल फ्लो मस्ट हैव अ फ्री सरफेस, कि ओपन चैनल फ्लो का जो सरफेस है वो फ्री होना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? कख पता नहीं हमें, जस्ट बोला है, बताया नहीं अभी आपको मैंने कि ये है। तो इसको भी जो है जरा थोड़ी देर के लिए जो है ना ये लॉक करो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा पॉइंट जो है वो ये कहता है कि पाइप फ्लो बीइंग कन्फाइंड इन अ क्लोज्ड कॉन्डक्ट एक्सर्ट्स नो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बट हाइड्रोलिक प्रेशर ओनली, ठीक है। ये क्या बात है, ये भी मैं आपको भी जो है ना वो बताता हूँ। तो अब बारी बारी हमने इन तीन पॉइंट्स को जो है वो बेसिकली जो है इनको जो है वो एक्सप्लेन करने के। ये है क्या, पहला पॉइंट, द फ्लो ऑफ वाटर इन अ कॉन्डक्ट मे बी आइदर ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो। ये जी, अब यहाँ पे इसको जो है ना वो डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। इसको मैं जरा यहाँ से कॉपी कर लूँ ताकि एक एक लफ्ज जो है वो क्लियर मैं कर सकूँ। अब उसने बोला क्या था इसमें, उसने बोला ये था कि पानी जब भी जो है ना किसी पाइप के अंदर रिमूव कर रहा हो ना, अरे मैं ये कंडक्ट काट के जो है ना ये बेसिकली मैं पाइप कर देता हूँ, कोई इशू ना रहे। जब पाइप के अंदर अगर पानी मूव भी कर रहा है आपका तो फिर भी हो सकता है कि जी पानी जो है ना वो ओपन चैनल फ्लो जो है ना वो हो और पाइप फ्लो ना हो। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि बिलफर्ज अगर आपके पास जो है ना एक पाइप है, मैं पाइप को ड्रॉ, ये बिल्कुल पाइप है आपके पास, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पाइप के अंदर जो है बेसिकली पानी है, ठीक है। हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि पानी की जो सरफेस है वो कोई है ही नहीं और पानी इस पाइप के अंदर पूरे का पूरा भरा पड़ा है, ठीक है ना। पानी इस पाइप के अंदर पूरे का पूरा भरा पड़ा है, ये ब्लू जो है इसके अंदर वाटर है जो मूव कर रहा है। अच्छा, अब वो ये कहता है कि अगर तो ऐसा केस है फिर तो जो आपका जो फ्लो है ना ये तो जी इंडीड आपका फ्लो जो है वो पाइप फ्लो है, ठीक है ना। अगर आपका पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा है और वो जो पाइप है बेसिकली वो जो पाइप है आपके पास
वो भरा हुआ है पानी के साथ, तो फिर वो इंडीड वो फ्लो जो है वो बेसिकली पाइप फ्लो ही है। लेकिन अगर ऐसा केस नहीं है, अगर आपके पास पाइप है और पाइप पूरा भरा हुआ नहीं है, पाइप बेसिकली जो है वो क्या है, पाइप बेसिकली जो है ना उसकी वाटर सरफेस जो है वो बेसिकली पानी जो है वो इतना भरा हुआ है, ठीक है ना। वाटर सरफेस को आप लोगों ने पढ़ा होगा और उसमें फ्लूड मैकेनिक्स में कि हम हमेशा जो है वो इनवर्स ट्राई एंगल के साथ जो है उसको शो करवाते होते हैं पानी के ऊपर। अगर ये मैं एक इनवर्टेड ट्राइंगल जो बना दूँ ना, ये तो इसका मतलब ये है कि पानी की सरफेस जो है यहाँ तक। कहता है कि अब जो है ना ये फ्लो, ये पाइप फ्लो नहीं है, हालांकि है पाइप ही है, ये जो सारी पाइप बना हुआ है पानी पाइप में से ही बह रहा है, लेकिन अब पाइप फ्लो नहीं है, है? अब ये कौन सा वाला फ्लो है? वो कहता है कि जी अब ये फ्लो फिर दोबारा से जो है ना वो ओपन चैनल फ्लो ही हो गया हुआ है, ठीक है। ये बड़ी अजीब सी बात है यार कि अगर पाइप के अंदर से हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पाइप के अंदर फ्लो हो रहा हो तो वो पाइप फ्लो होता है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि जी अगर पाइप भरा हुआ है फिर पाइप फ्लो है, अगर पाइप जो है ना आपका वो भरा हुआ नहीं है तो फिर वो जो है ना वो पाइप फ्लो नहीं है, वो क्या है, वो ओपन चैनल फ्लो है। तो अच्छा, अब इसमें एक बात आपने याद रखनी है, मैं ये वैसे आपको जो है ना वो एक सिंपल एक जो है ना जैसे बोलते हैं ना कि एक वो एक एक, एक होती है टेक्निकल बात, देखो तो नॉन टेक्निकल बात, तो ये नॉन टेक्निकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या है, मुझे है कि जब भी पानी की सरफेस के ऊपर हवा हो रही लग रही हो ना, तो हमेशा फ्लो कौन सा होगा, फ्लो जो है वो ओपन चैनल फ्लो होगा। अगर यहाँ पे हवा नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पे जो है पानी की सरफेस के ऊपर जो है कोई हवा नहीं है, तो फिर कौन सा फ्लो है, फिर जो आपका पाइप फ्लो है। यहाँ पे देखो पानी की सरफेस के ऊपर कोई हवा नहीं है, ठीक है, पाइप है और पूरा भरा पड़ा है पानी के साथ, कोई ऊपर हवा पानी की सरफेस के ऊपर टच नहीं हो रही, तो कौन सा फ्लो है, ये पाइप फ्लो। यहाँ पे देखो ये क्या है कि पाइप है और उसके अंदर जो है वाटर का जो लेवल है वो जरा पाइप की जो जो डाया है उससे थोड़ा कम है, तो जो बाकी सरफेस ये जगह जो होगी, ये जो जगह बनी हुई है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एयर होगी, ठीक है। जमीन के ऊपर जो है कहीं पर भी कोई चीज वैक्यूम नहीं होती है, जब भी आप चीज छोड़ोगे तो हमेशा उस चीज को कवर करने के लिए जो है क्या आएगी, वो हवा आ जाएगी। मतलब हर जगह पे जहां पर भी जो है ना वो कोई जगह खाली है उधर क्या होती है, जमीन के ऊपर हवा होती है। तो ये पाइप है ना, तो पाइप के अंदर पानी तो है लेकिन पानी का सरफेस जो है वो कम है और उसके इमीडिएटली ऊपर जो है वो क्या है, पानी की सरफेस के ऊपर वो हवा है। तो एक चीज जो अब याद रखने वाली ये है कि व्हेन वाटर सरफेस इज इमीडिएटली कवर्ड विद एयर, इट्स अ साइन ऑफ ओपन चैनल फ्लो। जब भी आपकी जो है वो वाटर सरफेस की जो टॉप है उसके ऊपर हवा होगी, ठीक है, तो वो फ्लो कौन सा होगा, वो बेसिकली आपका ओपन चैनल फ्लो होगा। और चेक करो मैंने क्या लिखा हुआ है, फ्लो चैनल फ्लो माशाल्लाह, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, वो होगा ओपन चैनल फ्लो, क्लियर है। तो हमने इस बात से एक और चीज सीखी कि अगर पाइप के अंदर पानी बह रहा है तो आपने अंधाधुन नहीं बोलना कि ये तो जी पाइप फ्लो है, नहीं, चेक करना है कि क्या ये पाइप फुल है कि नहीं है, अगर पाइप फुल नहीं है तो कौन सा वाला फ्लो है, ये जी ओपन चैनल फ्लो है। और हमने दूसरी बात क्या पढ़ी है कि ओपन चैनल फ्लो जो है हमने किसकी नई डेफिनेशन पढ़ी है कि हर वो फ्लो जिसके अंदर पानी की सरफेस के ऊपर हवा हो वो कौन सा वाला फ्लो होता है, वो बेसिकली जो है ना आपका ओपन चैनल फ्लो होता है। अच्छा, अब इसमें हमें एक और बात, अब ये पॉइंट नंबर उधर जो स्लाइड के अंदर ये पॉइंट नंबर 2 है कि 3 है, लेकिन जो जो भी है मैं उसको जो है ना जल्दी से वो भी इसके अंदर अंदर ही जो है इसको डिफाइन कर दूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये वाली है कि ये पानी जो इसके अंदर बह रहा है, ठीक है, ये पानी इसके अंदर बह रहा है, हम कहते हैं कि इस पाइप के अंदर जो प्रेशर है वो क्या है, वो कुछ ना कुछ है, मतलब कि वो प्रेशर जो भी है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, वो ज्यादा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि पाइप जो है फुल है, इसके अंदर पानी बह रहा है, तो हमेशा जब भी ऐसा कोई सीन होगा तो आप एक बात बोल देनी है कि जी पाइप के अंदर जो प्रेशर है ना वो बेसिकली जो है वो क्या है,
ये यहाँ पे कल्चर आ जाए तो काफी बेहतर हो जाएगा। हाँ, इसके अंदर प्रेशर जो है वो कौन से वाला फ्लो है, प्रेशर कितना है, वो है हायर देन एटमॉस्फेरिक। ये प्रेशर जो है इस टाइम जो पानी का है इसके अंदर, वो कौन से वाला है, वो हायर देन एटमॉस्फेरिक है। अब मेरे से ये आगे नहीं जा रहा, लेकिन मैं इसको वैसे यहीं पे ले आता हूँ कि इस पाइप के अंदर जो प्रेशर है वो क्या है, वो हायर देन एटमॉस्फेरिक है। सही है। अब आपसे कोई पूछे कि जी इस पाइप के अंदर प्रेशर कितना है, तो जहां पर भी बेसिकली हवा है उधर प्रेशर कितना है, वो जो एटमॉस्फेरिक है। तो जी इसके ऊपर जो है इमीडिएटली ऊपर ओपन चैनल फ्लो के अंदर वाटर सरफेस के इमीडिएटली ऊपर प्रेशर कितना होता है, वो होता है एटमॉस्फेरिक। लेकिन पाइप फ्लो के अंदर वाटर सरफेस जो है, क्योंकि बिल्कुल पाइप के साथ मिली होती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो कोई एयर नहीं है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो हायर देन क्या होगा, एटमॉस्फेरिक होगा। और इसकी एक निशानी ये भी है कि ये प्रेशर हमेशा हायर देन। अब ये सवाल हो सकता है ना आपसे कि भाई ये प्रेशर आपको कैसे पता है कि ये एटमॉस्फेरिक से ऊपर है, एटमॉस्फेरिक से ऊपर कैसे पता है आपको इस बात का। तो हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप कभी भी किसी भरे हुए पाइप को रप्चर करोगे ना, ठीक है ना, किसी भरे हुए पाइप को रप्चर करोगे, तो हमेशा पानी जो है वो क्या करेगा, पानी उसमें से जो है एक फवारे की तरह जो है ना वो निकल आएगा। ये आप लोगों ने आम तौर पर ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब भी आप घरों में लॉन के अंदर पानी लगा रहे हो आप बिल्कुल, और आपसे पाइप जो है फट गया है ऊपर बिल्कुल, ठीक है, तो हमेशा उसमें से एक पानी का फवारा निकलता होता है, ठीक है। और वो पानी का फवारा जो है बाहर क्यों आया है, हमने पढ़ा हुआ है इस बात को कि वो पानी का फवारा जो निकल के बाहर आ रहा है, तो इस वजह से आ रहा है कि अंदर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और बाहर कितना है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक। क्योंकि बाहर तो एयर है ना, बाहर तो प्रेशर क्या, प्रेशर एयर की वजह से क्या है, एटमॉस्फेरिक है बाहर प्रेशर, तो अंदर प्रेशर जो है वो ज्यादा है और बाहर कितना है, एटमॉस्फेरिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर जो भी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक से क्या है, ज्यादा है, तभी तो पानी बाहर आया। हायर प्रेशर से पानी जो है वो तभी तो लोअर की तरफ आया। अगर अंदर प्रेशर जो है कम होता और बाहर प्रेशर ज्यादा होता, तो फिर क्या होता कि पानी कभी बाहर ना आता, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये पता है कि अंदर जो प्रेशर है इसके वो हायर देन एटमॉस्फेरिक है, और उसे हम प्रेशर को हम नाम देते हैं, वो देते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर। हाइड्रोलिक प्रेशर ठीक हो गया। तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या है, वो है एटमॉस्फेरिक, और इसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या, हाइड्रोलिक प्रेशर, और वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा होता है, क्लियर है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट तीनों पॉइंट्स जो हैं इसके अंदर आपको जो है ना वो डिफाइन करते हैं। फ्री सरफेस की बात भी होगी, फ्री सरफेस क्या होती है, ओपन चैनल फ्लो मस्ट हैव अ फ्री सरफेस। उसका मतलब क्या है, ओपन चैनल फ्लो के जो ऊपर जो है वो हमेशा जो है जो उसकी सरफेस है वो क्या हो, वो फ्री हो, अनलाइक पाइप फ्लो। पाइप फ्लो के ऊपर जो सर्फेस फ्री नहीं थी, सर्फेस जो थी वो बिल्कुल साथ मिली हुई थी पाइप के, पाइप फ्लो के अंदर। ओपन चैनल फ्लो के अंदर सर्फेस जो है वो फ्री है, उसके ऊपर हवा है, ठीक है। तो एक तरह से सरफेस जो है इसकी फ्री है, उसके ऊपर जो है पाइप की सरफेस नहीं आती, बल्कि उसके ऊपर क्या आती है, हवा आती है, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं कि ओपन चैनल फ्लो का जो सरफेस है वो फ्री होता है, ठीक है, उसको आप देख भी सकते हो, और उसके ऊपर जो प्रेशर है वो कितना होता है, वो एटमॉस्फेरिक होता है। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो मैंने इसमें डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वाली स्लाइड जो है मैं जरा इसको मैक्सिमाइज कर, और मेरा ख्याल है कि इसको जो है ना मुझे अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज ये इटसेल्फ जो है ना एक बहुत लंबी जो है वो डिस्कशन बनती है। ज़्यादा लंबी डिस्कशन तो नहीं है, बट 10-12 मिनट मुझे इस पर लगाने पड़ेंगे, तो मैं उसको अलग से रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये वाली चीज़ जो थी यहीं तक थी। सो फॉर नेक्स्ट पार्ट स्टे ट्यून्ड।